हे गाइस, बात करें इस वीडियो में तो आपको बता दें साथिया सीज़न 3 बहुत ही जल्द ऑन एयर होने वाला है। जी हाँ, इस सीज़न को लेकर खबरें लगातार सामने आ रही हैं, वहीं डिमांड भी बहुत ज़्यादा हाई है। लोग देखना चाहते हैं एक बार फिर से देवोलीना भट्टाचार्य को गोपी के कैरेक्टर में, तो वहीं उनके अपोजिट अहम यानी कि मोहम्मद नजीम को, और साथ ही साथ पूरी स्टार कास्ट जो कि सीज़न 1 में रही थी। सीज़न 2 की बात करें तो यहाँ पर पूरी तरीके से सब कुछ चेंज था। कैमियो रोल के लिए यहाँ पर गोपी की एंट्री कराई जाती है, लेकिन बावजूद उसके स्टार्टिंग में ही टीआरपी आई थी शो की कुछ खास, लेकिन ऐसे अगर टीआरपी की बात करी जाए तो जो सीज़न 1 लेकर आता था वो सीज़न 2 लेकर नहीं आ पाया। यही वजह रही कि सीज़न 1 7 से 8 साल तक ऑन एयर रहा था, वहीं सीज़न 2 की बात करें तो वो 2 साल के अंदर ही ऑफ एयर चला गया। और ऐसे में आप क्लियर समझ सकते हैं कि टीआरपी में कितना अंतर रहा होगा। जी हाँ, डेफिनेटली उस टाइम पर टीआरपी अपने पीक पर थी, हाईएस्ट टीआरपी लेकर आता था शो हर वीक। हर अपडेट में अगर देखा जाए तो टीआरपी टॉप 5 के अंदर टीआरपी लेकर आता ही था, उसमें शुमार रहता था साथ ही सीज़न 1। लेकिन सीज़न 2 ऐसा कुछ नहीं कर पाया, यही वजह है ऑफ एयर चला गया। सीज़न 3 आने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप लोग, बहुत ही जल्द सीज़न 3 की एंट्री होने वाली है। लेकिन किस तरीके से होगी वहीं बता दें आपको, अगर रश्मि शर्मा ने अपनी इस सीज़न 2 से अगर कुछ सबक लिया होगा, कुछ समझा होगा, कुछ सीखा होगा, तो डेफिनेटली वो सीज़न 3 में सीज़न 1 की स्टार कास्ट को लेकर आएंगी। जी हाँ, अगर वो समझती होंगी कि सीज़न 1 की स्टार कास्ट कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो ऐसे में सीज़न 3 में एक बार फिर से आप लोगों की फेवरेट जोड़ियाँ नज़र आएंगी, यानी कि राशि और जिगर की जोड़ी जो कि ऑल टाइम लोगों की फेवरेट रही ही है। और वहीं बात करें देवोलीना और मोहम्मद नजीम की जोड़ी, तो फिर कहना ही क्या है, यानी गोपी अहम, राशि जिगर, ये सभी आपको नज़र आने वाले हैं सीज़न 3 में। लेकिन इसके लिए आप लोग अपनी डिमांड ज़रूर से हाई रखिएगा, ताकि ये बात मेकर्स तक पहुँच सके और वो इस बात की इंपॉर्टेंस को समझ सकें। हालाँकि सीज़न 2 की फेलियर से इम्पॉर्टेंस तो उनको समझ आ ही रही होगी, लेकिन देखने वाली बात होगी सीज़न 3 में आखिर क्या क्रिएटिव किया जाएगा, क्या नया किया जाएगा। सीज़न 3 इसी साल आएगा या फिर अगले साल उम्मीद करी जा सकती है, तो भाई इस बात पर क्लियर कुछ भी नहीं बोला जा सकता, उम्मीद करी जा सकती है। जैसे कोई अपडेट सामने आएगी आप लोगों के पास ज़रूर से खबर आएगी। कितना एक्साइटेड है कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अगर अच्छा लगे हो तो लाइक शेयर करना ना भूलना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।